भैया कॉलेज में तो हमने एडमिशन ले लिया है, बट आप अब ये बता दो कि हम कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो लेकर आ चुका हूँ मैं आज एक तरीके बताने वाला हूँ, जिससे आप भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम में थोड़े बहुत अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को होता है कि यार जो घर से हमें पॉकेट मनी मिलती है उसके अलावा हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाएं, अपने पैसों कमाएं और उससे हम थोड़े बहुत अपने खर्चे निकालें। तो आज की वीडियो को पूरा देखना चाहो तो आप इसको 1.25x में भी करके देख सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। सबसे पहला तरीका जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, जो कि बहुत ट्रेंडिंग तरीका है, सबसे फास्ट तरीका है पैसे कमाने का, ये है आपका ट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल टाइम से ये तरीका अभी तक हिट है और ट्यूशन का एक ऐसा तरीका है जो कि आपको जल्दी से पैसे कमा के दे सकता है और एक ऐसा तरीका है जो कि हर बच्चा कर भी सकता है। बिकॉज आप अभी फ्रेशर हो, आप अभी 12th पास होके निकले हो, तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी 12th क्लास की, 11th क्लास की। तो आप जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हो, जो कि आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है समझने का कॉलेज को, तो उस वक्त आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए। बट इस तरीके में भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप इस तरीके को ले जा सकते हो अपने फुल टाइम करियर में और इससे आप एक बड़े लेवल पे जा सकते हो अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट इसमें बनता है। वो कैसे आप जा सकते हो, जब भी आप लोग ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो तो उसके साथ आप उसको ऑनलाइन भी लेकर जाओ। ऑनलाइन आप कैसे लेके जा सकते हो, मान लो आप इस ट्यूशन की शुरुआत ऑनलाइन से ही करते हो। काफ़ी सारे आज के टाइम ऐसी कंपनी आ चुकी हैं जो कि होम ट्यूटर्स की डिमांड करती हैं, जो कि चाहती हैं कि उनको एक ट्यूटर्स मिले जहाँ पे आप घर बैठे भी पढ़ा सकते हो और आप अपने एरिया में, लोकल एरियाज में भी उन कंपनी से टाई अप करके एज अ ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हो उनके साथ। तो अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करते हो तो वो आपका एक बेटर करियर हो सकता है, बिकॉज ऑनलाइन में एक आपकी ब्रांड इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है और उस चीज़ की पावर आप लोग जब समझोगे जब आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करोगे। और मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग ट्यूशन पढ़ाओ तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग जरूर कर लिया करो, शॉर्ट्स वीडियो जरूर बना लिया करो या फिर लॉन्ग वीडियोज़ बनाने की कोशिश करो, और आप अपनी एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन जाके। अगर आप थोड़ी सी शाइननेस को कम करते हो, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है वो चीज़ का, तो आप अपनी जो ट्यूशन्स हैं उसको अगर ऑनलाइन डालते हो तो उससे आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे और आपकी जो ब्रांड है वो भी एक क्रिएट हो सकती है। चाहो तो आप अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो अपने ट्यूशन के साथ में। और कोशिश ये करना कि जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े से अच्छे रहे हो, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स रहे हो, उसको अगर आप पढ़ाओ, उस क्लास के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और वो आपका एक USP बन सकता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बन सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अपने नेक्स्ट इनकम सोर्स की तरफ। नेक्स्ट इनकम सोर्स आपका है गाइज इंटर्नशिप। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इंटर्नशिप ये कैसे हम कमा सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप आज के टाइम आपको हर तरीके की देखने को मिल जाती है। ऐसी इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं जहाँ पे आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी दे सकते हो, वो भी वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, आपको पता है कॉलेज में आप डेली तो कॉलेज जाने नहीं वाले, और कॉलेज डेली भी गए उसके बाद भी आपके पास शाम को काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो तो आपके पास और सारा टाइम बच जाता है, बिकॉज जो हॉस्टल्स होते हैं, PGs होते हैं, वो कॉलेज के काफ़ी पास होते हैं। उस केस में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। अब इंटर्नशिप का ये फ़ायदा होता है कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो, आपके पास 3 से 4 साल है तो आप उसमें अपना पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। इंटर्नशिप हर तरीके की मिल जाती है। अगर आप बोलोगे, कमेंट्स आते हैं अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, तो आपके लिए मैं स्पेशली ये बताऊंगा कि कैसे आप इंटर्नशिप्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप इंटर्नशिप्स को ले सकते हो बड़ी आसानी तरीके से। तो अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर से कर देना इंटर्नशिप। ठीक है, तो इंटर्नशिप आप ले सकते हो अलग अलग फील्ड में। मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करना है, वीडियो एडिटिंग को एक्सप्लोर करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लोर करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करना है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, जहाँ पे 5,000 से लेके 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 डिपेंड करता है आपके कितनी स्किल्स है और सामने वाली जो कंपनी है वो एक स्टार्टअप है या फिर एक रेप्यूटेड कंपनी है। तो यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में इंटर्नशिप टाइप कर देना। तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। तीसरा तरीका एक ऐसा तरीका है जो कि आपको करोड़पति भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, करोड़पति भी बना सकता है ये तरीका। ऐसा कौन सा तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको, वो तरीका है फ्रीलांसिंग। अब आप सोचोगे ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, देखो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग एक कुछ सिंपल तरीका होता है जहाँ पे आपको जो भी आता है वो आप उस पर्सन को दे देते हो जिसको वो नीड होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरी एक कंपनी है और मुझे ज़रूरत है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। अब आपको मान लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी आती है, पोस्टर्स डिज़ाइन करने आते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक पोस्टर का कितना लोगे, या मेरे पास 10 मुझे मंथ में पोस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप पर पोस्टर कितना लोगे, तो उस हिसाब से आप एक
कॉन्ट्रैक्ट बेस काम कर रहे होते हो, डील कर रहे होते हो, और अगर आपका काम अच्छा होता है तो आपके कुछ एक फिक्स्ड क्लाइंट बन जाते हैं, तो एक तरीके से वो आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप एक सोलोप्रेन्योर की तरह काम कर सकते हो। और जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, जब आप एक अच्छी फाइनेंस की स्टेज में आ जाते हो, जब आपके पास एक अच्छा खासा इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपनी टीम को एक्सपेंड करके उसे प्रॉपर बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। तो उस केस में आप फ्रीलांसिंग भी इंटर्नशिप की तरह अलग अलग फील्ड में कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि आपकी एक बेसिक नॉलेज है और आपको उसमें ग्रो करना चाहिए। तो आपको तमाम ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि कैसे आप एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे सेटअप कर सकते हो सब कुछ, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बेस्ट नीच, तो कमेंट बॉक्स में फ्रीलांसिंग टाइप कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इनकम सोर्स की तरफ। नेक्स्ट इनकम का सोर्स वो है दोस्तों जो आज के टाइम बहुत बूम हो रहा है, और आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही बिलियन की जगह ट्रिलियन डॉलर तक भी जा सकती है दोस्तों। इस इंडस्ट्री का नाम है कंटेंट क्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज से 5 साल पहले उभरी हुई थी, सिर्फ कोई कोई जानता था, लेकिन आज के टाइम आपको पता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े इंस्टाग्रामर्स कितना पैसा छाप रहे हैं अपने कंटेंट के द्वारा, उसकी पावर आपको पता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो, अगर आपके अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी एक चिंगारी है कि मुझे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आना है, अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो मेरा पैशन है, उसको मुझे लोगों के सामने दिखाना है, लोगों की हेल्प करने, लोगों को गाइड करना है, तो आप भी आ सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर और अपना जो हुनर है वो लोगों के सामने दिखा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप वीडियो बनाओगे उसमें आप मास्टर होगे या एक्सपर्टीज होगी आपकी। अगर आप वो चीज़ सीख भी रहे हो, थोड़ी बहुत भी आपको आती है और आप चाहते हो कि मैं वो चीज़ डालूँ, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो डालना, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और आपको पता ही है, इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्कोप कितना ज़्यादा है कंटेंट क्रिएशन का। चलते हैं अपने पांचवे तरीके की तरफ। पांचवा तरीका ऐसा है दोस्तों जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, और मैंने ये कॉलेज के साथ साथ करके काफ़ी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, सही गैस किया आपने, नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। और ये एक ऐसा तरीका है जो कि आज के टाइम आप देख रहे हो काफ़ी छोटे छोटे एज ग्रुप्स के बच्चे जो हैं इसको करके लाखों रुपए महीने के जनरेट कर रहे हैं। काफ़ी आसान तरीका है ये भी पैसे कमाने का, जो कि आज के टाइम बूम कर रहा है। बूम इसलिए कर रहा है, इसके पीछे छोटी सी कहानी ये है कि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हायर करने की बजाय, जॉब देने की बजाय एफिलिएट मार्केटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं। उस केस में कंपनी का और एफिलिएट मार्केटर्स दोनों का फ़ायदा है। वो फ़ायदा ऐसे है कि गाइज, जब आप किसी को जॉब पे रखते हो तो आपको एक फिक्स सैलरी देनी पड़ती है हर मंथ उस पर्सन को, लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटर के साथ एक डील करते हो तो आप एफिलिएट मार्केटर को तभी इनकम देते हो जब वो आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर कस्टमर या क्लाइंट को लाके देगा। केस में कंपनी आपको तभी पे करेगी जब आप कंपनी को कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दोगे। तो इस केस में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। डेट्स वाई 95% ब्रांड्स आज के टाइम एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन चुन रही हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए तभी स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप बिल्कुल जीरो नॉलेज से, जीरो फॉलोअर्स से, सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ऋषभ जैन ऑफिशियल आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम शो हो रहा होगा। चलते हैं अपने छठे इनकम सोर्स की तरफ, जो है आपका ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग भी आज के टाइम यंगस्टर्स पसंद कर रहे हैं काफ़ी। एक टाइम हुआ करता था जब ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस की चीज़ें जितनी भी हुआ करती थी, वो हम सोचते थे कि यार कोई बड़ी एज ग्रुप का पर्सन होगा या कोट पैंट पहन के एक आएगा बड़ा एज ग्रुप का आदमी और वही ये सब चीज़ें करता होगा। लेकिन आज के टाइम आप देख रहे हो काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल करियर बना चुके हैं। पहले हम सोचा करते थे कि क्या शेयर मार्केट में भी करियर बन सकता है, लेकिन आज के टाइम ये प्रूफ कर दिया है काफ़ी सारे लोगों ने। इवन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू सुन रहे हो, आप देख रहे हो, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जो दिन का 1-1 करोड़ भी कमा रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग करके, और वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है, उनको भी फायदा है, और कंट्री भी ग्रो कर रही है। तो आप अपना ट्रेडिंग में करियर बना सकते हो। ट्रेडिंग भी कई तरीके की होती है। अगर आप चाहते हो डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाऊं मैं, तो आप ट्रेडिंग टाइप कर सकते हो। मैंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ट्रेडिंग के ऊपर, आई कार्ड में आप जाके वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके 6 तरीके हैं जिससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो कॉलेज की स्टडीज़ के साथ। बट इन तरीकों को शुरू करने से पहले आप इन तरीकों के बारे में अच्छे से सीखो, रिसर्च करो, और अगर आप चाहते हो इनमें से किसी भी तरीके के ऊपर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं, रोड मैप बनाऊं जहां से आप शुरुआत कर सकते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जिस भी मेथड के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, बिकॉज यार मैं चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि यार
आधे से ज़्यादा जो लोग वीडियोस को वॉच करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आने वाली वीडियोस जो ऐसी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता नहीं चल पाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए जिससे आपकी वीडियोज़ मिस ना हो पाएँ। और टेलीग्राम का फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो फटाफट से बन जाओ, बिकॉज वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं लाइव मैं पर्सनली लेता हूँ, जूम पे इंटरेक्टिव सेशन करता हूँ आपके साथ और काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें मैं शेयर करता हूँ अपनी टेलीग्राम फैमिली के साथ। तो वहाँ पे लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, फटाफट से जाके कनेक्ट हो जाओ। ऐसी अगर आपको और वहाँ पे जानकारी चाहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको ये सारे तरीके अच्छे से समझ आ गए हैं। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।